यूपी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले से लाखों राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा होने वाला है। राशन कार्ड लेने के लिए फिलहाल लोगों को अपना अंगूठा लगाना होता है जिससे उनकी पहचान की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोगों को अब POS मशीन पर बिना अंगूठा लगाए राशन मिल जाएगा। योगी सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया है और लोगों के राशन कार्ड से मोबाइल नंबर को जोड़ दिया है। इसके बाद लोगों को OTP के जरिए राशन मिलेगा। फिलहाल ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुरू की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी लागू कर दिया जाएगा। WHO ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि चीनी और नमक में माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, और उस रिपोर्ट में WHO ने लोगों से इसे ज्यादा नहीं खाने की अपील की थी क्योंकि इससे इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचता है। लेकिन हाल ही में भारतीयों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया कि भारतीय लोग काफी ज्यादा चीनी खाते हैं और उनके मीठे खाने की लत दिन बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक WHO के रिपोर्ट्स के बाद भी भारत में लोग चीनी खाना बंद नहीं कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक शहर में रहने वाले 2 में से 1 इंसान हर हफ्ते चीनी से बने सामान को खा रहे हैं, तो वहीं मिठाई खाने वाले शहरी भारतीय परिवारों की संख्या 41% से बढ़कर अब 51% हो गई है। आगरा से अब हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे शहरों के लिए सीधी फ्लाइट चलाने की तैयारी हो रही है। आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से इंडिगो कंपनी 28 सितंबर से हैदराबाद की फ्लाइट चालू करने जा रही है। इसके साथ ही नवंबर से अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू होने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल आगरा से 3 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा मौजूद है, इसमें बेंगलुरु, मुंबई और लखनऊ शामिल है। यहां से सबसे ज्यादा यात्री बेंगलुरु के लिए मिल रहे हैं। 26 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी आगरा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास कर सकते हैं। इससे ब्रज में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा और पर्यटन उद्योग को गति मिलेगी। नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित गांवों के लिए बड़ी खबर है। एयरपोर्ट में कई 6 गांवों के 3,000 से ज्यादा किसानों को नागरिक उड्डयन विभाग लीज डीड देते हुए मालिकाना हक देने जा रहा है और इसके लिए खर्च होने वाली राशि करीब 17 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। लीज डीड देने के लिए उप जिला अधिकारी जेवर को नियुक्त किया गया है, तो वहीं किसान पिछले 4 सालों से मकान बनाने के लिए आवंटित प्लॉटों की रजिस्ट्री की मांग कर रहे हैं और एयरपोर्ट के पहले फेज में जेवर के 6 गांवों के किसानों की 1300 हेक्टेयर ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया गया था। प्रभावित परिवारों के लिए जेवर बांगर टाउनशिप में विस्थापित किया गया था। लोगों को ठगने के लिए साइबर अपराधी हर दिन नई नई तकनीक अपना रहे हैं। वहीं साइबर अपराधी के चंगुल से बचने के लिए सरकारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है और इससे बचने के लिए कुछ जरूरी सुझाव भी दिए हैं। स्कैम से बचने के लिए किसी अनजान को OTP नंबर शेयर ना करें। ज्यादातर मामलों में OTP के जरिए ही साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसके साथ ही किसी अनजान को अपने ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक से जुड़ी जानकारी ना दें। कई बार साइबर अपराधी मैसेज में लिंक भेजकर भी स्कैम करते हैं। इस स्थिति में अनजान नंबर से आए मैसेज या लिंक को खोलने से बचें। Z News.